बिहार में शिक्षा मंत्री का पद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए गले की फांस बन गया है। मेवालाल चौधरी को हटाने के बावजूद उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब नए नवेले मंत्री अशोक चौधरी भी उनके लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर चौधरी को लेकर नीतीश कुमार की चौतरफा घेराबंदी की है। साथ ही वो सवाल पूछ डाला जो नीतीश को तीर की तरह चुभेगा। एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के बाद नीतीश कुमार ने सोचा था कि अब तो बिहार में बाहर है, लेकिन उनके मंत्रियों ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। खासकर शिक्षा मंत्री के पद ने उनकी नींदें उड़ा रखी हैं, क्योंकि इस पद पर जो भी मंत्री आता है उसके दामन पर दाग लग जाता है, जिसका फायदा उठाकर विपक्ष को सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने का मौका मिल जाता है। अब मेवालाल चौधरी को हटाने के बाद कमान अशोक चौधरी को दी गई है, लेकिन वो भी नीतीश के गले की फांस बन गए हैं। अशोक चौधरी की पत्नी पर लगे आरोपों को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर तीखे तीर छोड़े हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को हटवाया नहीं कि दूसरे ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जिन पर सपरिवार करोड़ों के गबन की सीबीआई जांच चल रही है। नीतीश जी की ऐसी क्या मजबूरी जो शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बजाय ऐसे कारनामे वाले को मंत्री बनाया जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, क्या राज है जी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव ने मंत्रियों को लेकर नीतीश की आलोचना की हो। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि साहित्यिक चोरी के दोषी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी के मुकुटमणि, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है, सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में केस है, इनकी निष्कपटता देखिए, कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार नॉट अ बिग डील। दरअसल अशोक चौधरी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना हम लोगों की सुने ही फैसला दे दिया था, इसलिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे, व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट, हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया, जब तारीख आएगी तो हम लोग अपनी बात रखेंगे, हमारा केस हाई कोर्ट से खारिज है तो आगे लड़ेंगे, व्हाट्स अ बिग डील। अशोक चौधरी के इसी तेवर को लेकर आरजेडी आक्रामक रुख दिखा रही है, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुश्किल में फंस गए हैं। अब देखना होगा कि क्या वो नए शिक्षा मंत्री की भी विदाई करते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।